हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां हम पढ़ने वाले हैं कक्षा एक की मैरीगोल्ड का यूनिट टू का चैप्टर द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू। तो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, चलो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक समय की बात है कि एक बबल यानी बुलबुला, एक स्ट्रॉ यानी तिनका एंड अ शू यानी एक जूता रहते थे। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट, एक दिन वो एक जंगल में गए। दे केम टू अ रिवर, वो एक रिवर पर आए यानी एक नदी पर आए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, उन्हें नहीं पता था कि इसे कैसे क्रॉस किया जाए। द शू सेड, बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू। तो शू ने कहा, ओ बबल, चलो हम तुम्हारे ऊपर तैरते हैं। नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। नहीं जूते, जो स्ट्रॉ है उसे अपने आप को स्ट्रेच कर लेने दो एक किनारे से दूसरे किनारे पे, तो हम उस रिवर को क्रॉस कर पाएंगे। तो स्ट्रॉ ने स्ट्रेच कर लिया अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। वेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, जब जूता कूदा स्ट्रॉ पर, इट ब्रोक, वो टूट गई। द शू फेल इन टू द वॉटर विद अ लाउड स्प्लैश, और जो जूता था वो पानी में गिर गया एक जोर की आवाज के साथ। द बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग, जो बबल था वो झुका और झुका हंसते हुए, और बर्स्ट यानी फट गया विद अ बिग बैंग, जोर की आवाज के साथ। तो देखा आपने कितनी मजेदार कहानी थी, कुछ नए वर्ड्स हैं, बैंक यानी किनारा, बबल यानी बुलबुला, बस्ट यानी फटना, क्रॉस मानी पार करना, रिवर यानी नदी, शूज मतलब जूते, स्प्लैश मानी जोर की आवाज़ जो पानी में गिरने के बाद होती है।